कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन ब्रॉट टू यू बाय zameen.com हर पता हमें पता है पावर्ड बाय डॉलेंस रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मैच जारी था कनाडा वर्सेस आयरलैंड ग्रुप ए का, ये मैच वहीं खेला गया जहां कल पाकिस्तान वर्सेस यूएस बल्कि पाकिस्तान ने खेलना अभी 9 को यहां पे मैच की जो कंडीशन है वो भी थोड़ी हमें पता चली, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि हम कनाडा जो है उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर लें। आयरलैंड ने जो है कनाडा ने जो है पहले बैटिंग की, 137 रन उन्होंने स्कोर किए मुकर्रा ओवर में। और अगर हम बात करें आयरलैंड की तो उन्होंने 125 रन ही स्कोर कर पाए, टारगेट जो था वो हासिल करने में नाकाम रही ये टीम। पाकिस्तान के लिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी इसी ग्रुप में है, मुश्किलात बड़ी हैं कम हुई हैं अगर मगर की सूरत हाल क्या अभी से पैदा हो गई है इस पे हमने बात करनी है। इस बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, इनफैक्ट आई एम ऑनर्ड टू हैव टू स्किपर ऑफ टीम पाकिस्तान, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब फॉर्मर ऑफकोर्स। सलीम भाई आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सलीम भाई सब टीम्स लग नहीं रहा हमसे अच्छा खेल रही हैं, लग तो ऐसे ही रहा है, लग रहा है ना ऐसे वैसे यहाँ इन दोनों में हम नहीं थे बात लेकिन हमारी नहीं, फिर भी हम कहीं आए नहीं है हम बीच में नहीं कुछ पाकिस्तानी हैं वैसे खेल रहे थे कुछ पाकिस्तानी। सलीम भाई आयरलैंड जैसी टीम भी जो है वो कनाडा जैसी टीम भी है जो 137 डिफेंड कर पा रही है, हालांकि आयरलैंड कदरे बेहतर टीम है अगर हम दोनों का मवाजना करें तो। आयरलैंड ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ सीरीज भी खेली है, एक मैच हराया भी पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जो टीम जान मार रही है कोशिश कर रही है वो कामयाब हो रही है। देखें इसमें बड़ी सिंपल सी बात ही, हम कल मैच क्यों आ रहे थे, अगर विकेट टू विकेट बॉल कर देते, गीला विकेट इनको ना मिलता और फुल टॉस ना देते तो मेरा ख्याल सिचुएशन डिफरेंट होती। आज भी अगर आप देखें इनके बॉलरों ने कोई रॉकेट साइंस वाली बॉलिंग नहीं की, विकेट टू विकेट बॉल किया है, किसी से इन पिचेस पे आसान नहीं है हिट मारना जी। अब मुश्किल हमारी ये हो रही हैं जो एन जी और मैं डिस्कशन और आप भी थी उस वक़्त कि आयरलैंड से अगर यू एस ए जीत जाती है फिर क्या होगा, फिर तो पहले राउंड में तीन मैच जीत गए फिर वो तो मतलब चांसेस तो हैं ना जी। तो ये तो हम कहीं जाके हाफ वे जाके दुआएं मांगा करते थे या अल्लाह वो उससे हम हार जाए उससे जीत जाए, अब तो ये इसी पहले राउंड में ही हमें दुआएं मांगनी पड़ गई हैं, तो मुश्किल तो हैं। पाकिस्तान टीम नेक बना देगी, दुआएं शोए मांगेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दुआ शोए मांगेंगे तो नेक हो जाएंगे ना, तो सवाब तो मिल ही रहा है। मुश्किल तो बहुत हैं, देखें हमें स्पेशली अब इंडिया के खिलाफ मैच है जी 9 को, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी जी। मगर अगर आप आज की विकेट देखें यहीं इसी पिच पे मैच है, हाँ जी इसी पे हमारा कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी बेहतर खेली है जी, उस तरह नहीं है, मे बी शायद बॉलिंग पेस अटैक वो नहीं है, उतनी पेस वाले बॉलिंग नहीं कर रहे, और मेरा अपना जाती ख्याल अच्छा, है आपने ध्यान नहीं रखना हमारे पेसर्स भी इसी तरह बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी पेस थोड़ी सी इनसे बेहतर है, अब इतना ज़्यादा उनको बेचारों को ना करें, मगर ये है कि मुझे लग रहा है कि विकेट थोड़ा सा बेहतर बिहेव उसने किया, आज भी हुए हैं थोड़े से कुछ बॉल ऊँचे नीचे गए हैं, मगर मुझे लग रहा है कि इस इन पिचेस पे इंजी मुझे लग रहा है कि ये शायद मैचेस इन्होंने को प्रैक्टिस की हैं कि ताकि वो पिच थोड़ी सी बेहतर हो, तो जो उस दिन इंडिया के खिलाफ मैच था उससे तो बहुत बेहतर लगी है मुझे आज की पिच, और अल्लाह करे कि 9 तारीख को थोड़ी और बेहतर हुए ताकि दोनों टीमों को अच्छा मौका मिल सके, एक अच्छी गेम तो हमें देखने को मिले। इंजी भाई हमने देखा कि कुछ जैसे टीम हारती है तो फिर परफॉर्मेंस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं, जैसे अभी एक चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही थी कि एक चैरिटी डिनर रखा गया है, लड़कों ने शायद उस तरह से प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा नहीं लिया, दूसरी गेम्स खेलने जा रहे थे, तो अब बोर्ड ने जो है वो ज़रा बरहमी का इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि जी ऐसा नहीं चलेगा, आपकी नेग्लिजेंस हमें अगले मैच में नहीं चाहिए, और ये जो सारे डिनर जो दूसरी स्पोर्ट्स पे आप जा रहे हैं ये ज़रा रोक दें, तो वो डिनर भी पोस्टपोन हो गया जो चैरिटी डिनर के नाम से रखा गया था जिसमें सारे खिलाड़ियों ने जाना था, आप भी उस तरह के डिनर्स अटेंड करते ही होंगे।
अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कोई बोर्ड ने अच्छा डिसीजन लिया है तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये अच्छा डिसीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि लोग खुश हो रहे हैं कि बोर्ड ने एक्शन ले लिया, देखिए असल में बात ये है कि आप हर चीज़ है ना पहले डिसाइड करते हैं, कभी भी ये मैनेजमेंट नहीं होती जहाँ पेंचर हुआ वहीं दुकान खोल दो कि अच्छी अगर वो जीत जाते हैं अमेरिका से तो मेरा मतलब है कि जी आप ना 3 डिनर कर लो और हार गए तो अब कोई डिनर नहीं, अब खाना भी ना, एक मैच और हार के खाना ना बंद कर दें तो होटल में भी कुछ नहीं खाना। ये कोई तरीका है भाई? देखो किसी ने डिनर अरेंज किया है, आपने उसको पहले परमिशन दी है, आपने इस उस पे परमिशन दी थी कि अगर पहला मैच हार गए तो तुम्हारा डिनर कैंसिल कर देंगे। एक कमिटमेंट होती है। अब मैं उसकी कमिटमेंट की आपको मिसाल देता हूँ। अब देखो न्यूजीलैंड है ना, पाकिस्तान आई थी, आपने सुबह भी कह दिया था कि सी टीम आई थी, हालांकि बी थी, आपने उसको सी किया, ठीक है, ए तो नहीं थी ना, ठीक है ना। तो अब वो जो प्लेयर्स हैं उनकी सर पहले से कमिटमेंट थी आईपीएल के साथ, हाँ जी, ठीक है ना। ये सीरीज बीच में तय हो गई, उन्होंने बोर्ड ने अपनी कमिटमेंट नहीं खराब की, उन्होंने नहीं इशू बनाया कि जी वो नेशनल ड्यूटी आ गई और अब सारी चीजें छोड़ दो। एक कमिटमेंट होती है इंसान की जो उन्होंने कर रखी थी, उन्होंने जिस टाइम आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने बोर्ड से पूछ के किया था ना, बगैर बोर्ड से पूछ के तो नहीं किया था। अब जिस टाइम ये उन्होंने डिनर अरेंज किया था, चैरिटी डिनर अरेंज किया था, पीसीबी के जो ऑफिशियल्स थे उनसे पूछ के अरेंज किया था। सुनने में आया कि वहाब जो कि सीनियर मैनेजर हैं टीम के साथ हैं, उनकी इजाजत से ही ये डिनर अरेंज हुआ था ना अरेंज। तो आप मुझे ये बताएं कि बुरा तो पाकिस्तान खेल रहा, उनका क्या कसूर था? हॉलैंड तो पड़ गया होगा ना, तो एडवांस में दिया होगा। ये जो चीजें है ना, ये जिसको आप कह रही हो कि ये बोर्ड ने सख्त एक्शन ले लिया, ये बिल्कुल फजूल एक्शन है। ये बिल्कुल वो है कि जी आप बेटा तुम होटल से नहीं जा सकते बाहर। भाई अगर ये वाली चीजें सही नहीं थी तो तुमने पहले क्यों ना अलाउ की थी? अगर ये वाली चीजें पहले सही नहीं थी पहले क्यों अलाउ की थी? पहले ही मना करते कि नहीं जी ये नहीं होगा। तो कोई एक दिन से कि एक मैच हारने से ये फर्क पड़ जाएगा जी अब ये नहीं कर सकते अब वो नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। इससे चीजें आपके ख्याल में सही नहीं है? इसमें एक चीज है सॉरी मैं, कि ये मेरा ख्याल है ये डिसीजन वो जो उन्होंने एक्शन लिया है ये वहाब का अपना शायद डिसीजन था, इससे तो बाहर ये लग रहा है ना जो क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है। अगर आपने एक मैनेजर देना, सलीम भाई मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अब जो वहाब है, जो वहाब गया है वो अब पाकिस्तान की तरफ से ही गया ना, अब वहाब छोड़ दो, वो मैनेजर है इस टाइम है ना, वो सारों से बड़ा रोल उसका है टीम में, ठीक है ना। जिसने भी किया है तो उसने उनसे पूछ के किया है ना, खुद तो नहीं कर लिया के रेंज। मेरा ख्याल है शायद ये एक खुद से किया हो। कमिटमेंट है एक और अलहदा से कि जी आप हार जाओ तो आप कह दोगे जी आप ये वाली चीज़ भी बंद है और वाली चीज़ भी बंद है। ये ज़रा थोड़ा सा सीखने की चीज़ है, पेशेंस की चीज़ है। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे ना पहले कि जी अब हम रन रेट की दुआएं मांग रहे हैं, इतनी जल्दी ना वो करें कि ठीक है। अब इस टाइम पाकिस्तान टीम का जो फोकस होना चाहिए ना वो सिर्फ इस मैच में होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को हराए। इस टाइम पाकिस्तान को ना जीत की जरूरत है। अब गेम टू गेम प्लान करें। नहीं वो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेम टू गेम प्लान। इंडिया से जिस टाइम जीतेंगे ना जी, उसके बाद हमारा एक मैच आयरलैंड के साथ है और एक हमारा कनाडा के साथ है। अगर कहीं रन रेट हमने बेहतर करना है तो हम उन दो मैचों में फिर देखेंगे किया जा फिर सकता सामने किया जा लेकिन सकता अभी ये कि जी ना हम ये देखेंगे जी फलां से जीते अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें जरूरत सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया को हराए लेकिन उसको हराने के लिए फंक्शंस में जाना जरूरी नहीं है। सही है, उसको इंडिया को हराना है लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या चीज जो है बेहतर करने की जरूरत है टीम पाकिस्तान को। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था मैंने अपने दोनों लेजेंड्स के लिए और वो ये था कि क्या करें, क्योंकि इंजी भाई कह रहे थे कि आपने अभी फोकस करना है गेम पे, जो नेक्स्ट गेम है सिर्फ उस पे फोकस करना है, आपने अभी नहीं सोचना कि नेट रन रेट क्या है, सिनेरियो क्या है सुपर एट के लिए क्वालिफाई करने के। तो मैं सलीम भाई से जानना चाहती हूँ क्या ऐसा करें कि टीम पाकिस्तान जीते। अभी सारे फैंस जो है ना उन्होंने दिल छोड़ दिया, कह रहे हैं तो यूएसए से नहीं जीत पाए तो इंडिया से हम क्या ही उम्मीदें रखें,
इसलिए मैंने आपसे भी पूछा था क्या करें। देखें बाद में पता क्या जो हो गया ना क्रिकेट में, देखें हर आने वाला दिन एक नया दिन होता है। हम काउंटी खेलते थे ना तो वो कहते थे टुमारो इज अनदर डे, तो बात यह है कि कल एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जो हो गया वो उसको हम वापस नहीं ला सकते, तो हमारी टीम को देखें एक तो पॉजिटिव माइंड ऑफ से जाना चाहिए कि यार इंडिया के खिलाफ वैसे भी जज्बाती होकर खेलते हैं दोनों तरफ से ऐसे ही है, हम बहुत जज्बाती होकर खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये हर एक को क्लियर माइंड से जाना चाहिए कि यार हमने मैच जीतना है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाते हैं ना तो रिजल्ट भी आपको उसी के मुताबिक मिलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि हम एक छोटी टीम से आ रही हैं, अब जो मर्जी कर लें वो हमारे दिमाग से निकलना तो नहीं है। लोगों का प्रेशर और वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनका प्रेशर, 15 लोग आपको सलाह दे रहे होंगे कि तुम इन्हें इस तरह करना है, तो वो कोई कह रहा होगा उसी प्लेयर को आगे डिफरेंट मशवरा दे रहा होगा। तो ये मेरा ख्याल है एक तो क्राउड जो वहाँ बैठा हुआ है ना, हमारा जो गया हुआ है कुछ लोग, उनसे टीम को थोड़ा दूर रखना चाहिए। सिर्फ मैनेजमेंट जो वहाँ है ना, कप्तान और जो सिलेक्शन कमेटी उस वक्त उस टूर पे है, उनको बैठ के सिर्फ एक चीज़ इनको गाइडलाइन देनी चाहिए कि यार गलती हुई, हम हार गए, बुरे हारे, जो भी हुआ इसको छोड़ के आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आओ कि हमने मैच जीतना है और अच्छी अच्छी चीज़ें ना अपनी याद करें, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाओगे ना तो आप कभी अच्छा नहीं कर सकोगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपनी टीम को जो है ना, इन लोगों को जो सीनियर लोग हैं या जो वहाँ कप्तान है, मैनेजमेंट है, उनको इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि यार हम जीतेंगे, हम इंडिया से मैच जीतेंगे। देखें होना क्या है, उस दिन अल्लाह बेहतर जानता है हम हारते हैं या जीतते हैं, पर अपनी जो है ना एक वो आप उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए कि यार भाई वो ना आजकल फैंस भी जो है ना वो यही एक्सपेक्ट करते हैं टीम से कि वो अपना ग्राउंड में 100% दे दें। अगर दिख रहा होगा ना फैंस को कि ये टीम जो है ना जान मार रही है, जो उनकी एबिलिटी है उससे बढ़ के काम करने की कोशिश करिए ग्राउंड में, तो शायद फैंस इतने नाराज नहीं होंगे। नहीं देखें, एक तो पहली बात तो ये हेड डाउन नहीं होना चाहिए। आप जब ग्राउंड में जाएं तो वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है। देखें हम जब खेलते रहे ना जिन लोगों के साथ जी, जो हमारे कप्तान रहे हैं इंजी और मैं दोनों, हम इकट्ठा उनके साथ खेलते थे, वो एक चीज़ को माइंड करता था हमारा कप्तान। और हमारा कप्तान एक चीज़ को माइंड करता था उसके बाद कि यार जो मुझे ग्राउंड में 100% देते हुए नज़र नहीं आया ना, और इवन मैं आपको बताऊं एक दफ़ा एक बंदे ने ना कैच छोड़ दिया, तो वो उसने सिडनी में मैच हुआ था, गौरी ने ट्राई नहीं किया जी, तो उनको लगा शायद दूर था, तो हाइलाइट्स में नज़र आ जाता आपको कि आपने ट्राई नहीं किया, तो उसको उस पर इतनी डांट पड़ी थी कि तूने 100% कैच छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाता है अच्छे लोगों से भी। बात यह है कि हमारा क्राउड या कोई भी, अगर आप ग्राउंड में 100% नहीं देंगे तो जैसे आपने कहा वो नज़र आ जाता है, तो आपको वो तो एक चीज़ करनी पड़ेगी। देखें लास्ट बॉल तक आपको फाइट करेंगे तो ऑब्वियसली हार जीत गेम का हिस्सा है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो लोग खुश उस वक्त ही होंगे जब आप फाइट करके हारेंगे। कल के मैच से लोग इसलिए नाराज़ हैं कि आपने फाइट नज़र नहीं आई, आप फुल टॉस बॉल करके आप मैच हार गए तो लोगों को तकलीफ होती है, पर दिल दुखता है। सबसे ज़्यादा तो आपको, आप मैं तो उठ के चला गया था, आप नाराज़ इतनी थी। तो बात यह है कि लोगों को नज़र आना चाहिए कि इंडिया के खिलाफ हम फाइट कर रहे हैं। सलीम भाई, रिजल्ट डजंट मैटर, एफर्ट जो आप पुट कर रहे हैं ना दैट मैटर्स। इंजन भाई मैं चाहूँगा आप कोई ऐसा वाकया शेयर करें, क्योंकि हम सब काफ़ी डिप्रेस हैं, आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली, इतना सर्व किया है, इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक इट्स अ बिग डील, ये कोई छोटी बात नहीं है, तो मैं चाहूँगी ऐसा कोई वाकया, कोई मज़े का वाकया आप शेयर करें हमारे साथ। कोई फिल्म लगा देता हूँ कॉमेडियन जिससे कोई मैं नहीं, वो क्रिकेट वाले वाकया इतने मज़े के होते हैं, वो फिल्म से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, वो शारजा में जिस टाइम मैचेस होते थे ना जी, तो सारे वो उधर एक ही होटल में होते थे, तो सारे लड़के आपस में रात को बैठते थे, तो एक दिन रात को बैठे थे, सुबह हमारा मैच था, वो उनका प्लेयर होता था एक अजय जडेजा, तो शारजा में पाकिस्तान टीम है ना उनको हराती थी हमेशा, तो उसने एक बात कही, उसने यार सुबह अगर तुम हमारे से जीत गए ना
तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी ना पब्लिक है ना यूज टू है क्योंकि इंडिया से मैच है तो पाकिस्तान से मैच है तो इन्होंने हरा देना है। उसने कहा जरा ये ख्याल रखना कि तुम्हारी पब्लिक यूज टू नहीं है, अगर तुम हार गए ना तो तुम्हें बहुत गालियाँ पड़ेंगी। अच्छा जी भाई, ऐसा होता था कि फैंस बहुत नाराज हैं हार गए हैं तो, और रिएक्शन किसी का कभी फेस करना पड़ा हो? इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाहरी बात है कि जी लोग इस तरह देखने आते हैं दोनों तरफ, कहते हैं वो ये कि पाकिस्तानी फैन भी इंडियंस फैन भी वो कह रहे हैं कि टूर्नामेंट इंडिया बस इंडिया से जो मैच है जीत जो तो हमारी जीत हो गई, हम कब जीत गए। सो लोगों के दोनों के जज्बात तो दोनों तरफ से इतने इस तरह के हैं, लेकिन अच्छा भी है। और इसको आप है ना एक ये है कि जी आप इसको प्रेशर ले लें क्योंकि जी बड़ा मैच है, आप इसको इस तरह क्यों नहीं सोचते कि अगर इस मैच में मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो मेरा नाम कितना बनेगा। मैं जिस टाइम 92 का वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, तो मैं ग्राउंड में इंटर हो रहा था मेलबर्न में, पहली दफ़ा मैं ऑस्ट्रेलिया हालांकि अंडर 19 गया था वहाँ नहीं खेल रहा था, पहली दफ़ा इंटर हुआ ना तो उस टाइम वो 90,000 का स्टेडियम था, तो वो ओपनिंग मैच था वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो मैंने जिस टाइम देखा ना तो वो स्टैंड उनके इस तरह जी। तो मैं ज़रा थोड़ा सा घबरा गया, तो मेरे पीछे स्कीपर थे तो उनको पता चल गया कि जी ये ज़रा घबरा गया है, नर्वस हो गया ये। तो उन्होंने मेरे से आगे कहा कि दो चीज़ें हैं, उसने कहा अगर तुम ये देखोगे ना यार ये इतने लोग आ गए हैं और वो कह रहे कि ये सोचोगे कि मैं इतना अच्छा हूँ कि ये सारे मुझे देखने के लिए आए हैं कि मैंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, तो कह रहे कि तुम्हारी सोच चेंज हो जाएगी, आप जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर वाला मैच है ना उसको इस नज़र से क्यों देखते हैं कि ये प्रेशर वाला मैच है। प्रेशर तो आएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल प्रेशर, हर रोज़ प्रेशर है। अब ये थोड़ा प्रेशर पड़ा होगा अमेरिका से हारने के बाद, बहुत, तो इसको हैंडल करना यही सारी प्लेयर की क्वालिटी है। तो आप ये सोचते हैं, कल हम ये सोचेंगे 9 तारीख को सारे लड़के ये सोचेंगे कि जी मैंने मैन ऑफ द मैच बनना है, मैंने पाकिस्तान टीम को जितवाना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अप्रोच, आपकी सारी चीजें एकदम चेंज होंगी अगर आप जो इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। अगर आप हार का सोचेंगे आप हार जाएंगे, अगर आप जीत का सोचेंगे आप जीत जाएंगे। आपने यहां से खेलना है, इंसान ग्राउंड से पहले माइंड में जीतता है जी। ये बनाना पड़ता है कि माइंड के कि जी मैंने जीतना है। जिसको अपने आप पे बिलीव ही नहीं होगा तो वो जीतेगा किस तरह, परफॉर्म किस तरह करेगा। तो बिलीव पहले यहाँ लाना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को लड़कों को यही है जो मैंने पहले कहा था ना कि आप छोड़ दो कि रन रेट क्या है, ये क्या, हमारे पास इस टाइम सिर्फ एक चीज फोकस है कि इंडिया का मैच, कि हमने इंडिया से बस जीतना है। हर लड़का ये कहेगा कि जी मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मैंने मैन ऑफ द मैच होना है। तो आप है ना उसके बाद हम बैठ के देखेंगे कि भाई कहाँ क्या रन रेट है। अभी पाकिस्तान एक मैच खेल रहा है, अगर एक दिन ऑफिस में बुरा चला गया तो जरूरी नहीं है कि सारे दिन खराब, सारे दिन इंशाल्लाह हम अपनी टीम से होप करते हैं कि इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्मेंस दे। और दूसरी चीज ये कि खुदा रखा आगे भी कुछ हो गया तो फिर भी सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं, हम नाराज होकर कहते हैं कि बस। मेरे ख्याल है कनाडा के खिलाफ उन्होंने ये सोचा नहीं था कि करना। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले सलीम भाई हमें कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ शेयर करना चाह रहे थे। नहीं, मैं कोई वो वैसे अच्छी बात नहीं जो शेयर करना चाह रहा था, वो आप चूँकि वाकयात पूछ रहे थे ना, तो हम ना 99 वर्ल्ड कप हारे हुआ, लोग बड़ी महंगी टिकटें लेके आए हुए थे, वो अनफॉर्चुनेटली हम जल्दी आउट हो गए, विकेट गीला था, 132 पे आउट हुए, मैच जल्दी ख़त्म हो गया। अब जब मैच ख़त्म हुआ ना तो आप होटल में आते हैं ना, तो आपके होटल में ना एक फैसिलिटी होती है कि आप मैसेज भी ना लोग छोड़ सकते हैं, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो वो मैसेज छोड़ देते थे, तो वो रेड लाइट जल रही होती है कि इसका मतलब है कि मैसेजेस पड़े हैं। अब वो जैसे ही मैसेज दबाया ना तो एकदम बंद कर दिया, मतलब आगे से वो इतनी खूबसूरत किस्म की आवाज़ें आपको सुनने को मिलती है ना, वो फिर जाके ना एक दूसरे भैया तेरा क्या मैसेज आया हुआ है, वो उसने भी करना ऑन, उसने भी जल्दी से बंद कर देना, मतलब वो जो खूबसूरत किस्म के लफ्ज़ आपको सुनने को मिलते हैं ना
वो मेरा ख्याल इस कनाडा के मैच के बाद बहुत सारे लोगों को ना लड़कों के मैसेजेस बहुत से पड़े होंगे, वो कभी इत्तफाक हुए ना तो वो जरूर सुनने चाहिए। फिल्म भाई बहुत दिखाते हैं ना, हमारे लोग हैं अच्छे मैसेजेस का जिक्र नहीं कर रही है। हमारे यहाँ लोग जो है ना बड़े जज्बाती हैं, वो आपसे प्यार भी इतना करते हैं कि आपको लगता है कि आप दुनिया की इस दुनिया की मखलूक नहीं हो, जब आप अच्छा करते हैं तो फिर वो जज्बाती हो के ना, जिस टाइम अच्छा नहीं करते ना फिर भी वो यही समझते हैं इस दुनिया की मखलूक नहीं हो आप तो बुरा नहीं कर सकते, आपसे तो हमने ये उम्मीद नहीं की थी। अच्छा आप अक्सर इंजी को कहते हो वाकया सुनाओ, इंजी बड़ा कुन्ना है, इसने वाकया आपने बार बार कहना है मेरा सवाल होते ये सवाल मुझे वाकया सुनाए। अच्छा मैं आपको ना एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ इंजी, हम ना शारजा में तुम्हें पता कैसी विकटें होती हैं, स्लो सी, ना बाउंस होता है ना कुछ, मतलब जब सीधी विकटें होती हैं, और इंडिया के साथ अक्सर हमारे मैचेस होते थे। ये मैं वैसे पहले सुना चुका हूँ, चूँकि आपने नहीं सुना हुआ, इंजी ने भी नहीं सुना, तो मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम ना शारजा में इंजी मैच हो रहा तो कपिल पहा बॉलिंग कर रहे थे, तो मुझे ना उनके साथ तुम्हें पता बड़ा अच्छी सबकी थी, वो पंजाब साइड से आए तो दोस्ती सबकी उनके साथ बड़ी थी, पंजाबी बोलना उन्होंने, तो उन्होंने ना मुझे बाउंसर किया। अच्छा हेलमेट नहीं पहना हुआ था, बॉल पता था कि यहाँ तेज़ आती नहीं, मैं मारने गया वो कहीं घूम गया तो मेरे इधर लगी बॉल। अच्छा इंजी इधर ना जब बॉल लगी ना तो वो हल्का सा कट आ जाता है, तो तकलीफ़ तो उस पर हो रही थी, जलन सी होती है, तो मैं ना यूं यूं कह रहा, तो कपिल दा वो ना कपिल बा भागते हुए मेरे पास आए, कहते भाई मल है मैं कपिल कुछ नहीं हुआ यार, अच्छा जलन हो रही, मैं कुछ नहीं हुआ, और कहते मल है यार बॉल लग गया है, मैं क्या कपिल बा कुछ नहीं हुआ यार, अच्छा ठीक है वो चले गए बॉलिंग करने। अगला बॉल किया ना तो अक्सर थाई पैड के नीचे पता है ना वो जो वहाँ बॉल लगे बड़ी तकलीफ होती है बहुत, अच्छा मुझे ना वहाँ बॉल लगी कहीं तो मैं ना ज़ोर ज़ोर से मलना शुरू हो गया, तो वो पहले तो मुझे देखते रहे फिर मेरे पास आए, कहते हुए और तेरा दिमाग है तेरे तो सब से लग गया तू मलिया नहीं तो यहाँ तू मल रहा है। तो ये इस किस्म के वाकया जो है ना अक्सर क्रिकेट में हमारे साथ इंजी के साथ भी हुए, इंजी सुना नहीं रहा, इंजी भाई सुनाएंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम है, बहुत दिन है टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। एक चीज़ जो मैंने सलीम भाई से पूछी थी आपसे नहीं पूछी, हम बातों में कहीं और निकल गए, आपने कहा था कि आप गेम पे फोकस करना है, कोई मशवरा भी दे दें टीम को फोकस किस तरह करें, क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि बस जीते आप, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपना 100% दे दें ग्राउंड में, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें कि क्या रिजल्ट आता है मैच का। नहीं मेरी थोड़ी सी सोच है कि जीतने के लिए खेलना चाहिए, आप जिस तरह पाकिस्तान टीम की पहले स्टेटमेंट थी कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं, सही है, सो इसी पे फोकस रहें। अगर एक मैच आप हार गए हैं ना तो उससे अपने फोकस से ना हटें, जिस तरह मैंने अभी पहले भी यही कहा था कि अब आप ठीक है कि जी आपकी परफॉर्मेंस बुरी हो गई है कि आपने बुरा कर दिया है, अब उसको आप कैरी ना करें अपने साथ, आप अपना सारा फोकस इंडिया के मैच पर रखें जी। और सारे लड़के अपने अंदर ये बिलीव रखेंगे कि जी यहाँ मैच हमने जितवाना है, हम जीत सकते हैं इनसे, ठीक है। और मैं इस मैच से अमेरिका ले मैच से पहले भी कहा था ये मैच हमारे, हम उस टाइम तो नहीं सोच रहे थे कि हम अमेरिका से हार जाएंगे, उस टाइम मैं ये कह रहे थे कि अगर हम इंडिया से जीत जाएंगे ना ये वाला मैच, हमारी टीम का मोराल इतना एक हाई हो जाएगा कि हम सुपर एट में भी जिस टाइम इंटर होंगे ना सो हम डिफरेंट तरीके से इंटर होंगे। पहले हम अगर इंडिया से हारने के बाद हम ये तीन मैच जीत के भी इंटर हो जाते तो फिर हमारा डिफरेंट तरीके से इंटर होना था। तो अभी भी यही है कि जी इंडिया का मैच उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम इंशाल्लाह इंडिया का मैच जीतते हैं तो बाकी दो मैचों में हम रिकवरी डाल लेंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इंडिया का जो सा मैच है ना, आपने सिर्फ है ना अपने अंदर बिलीव रखना है, बहुत सारी नेगेटिव टॉक्स हो रही होंगी जहन में, नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे कि जी क्या होगा, इन सारों को काबू करना ना, बड़े प्लेयर में बड़ी टीम में क्या फ़र्क है, जिस टाइम टफ कंडीशंस में ना आप है ना बेहतर परफॉर्म करो, ये बड़े प्लेयर की निशानी है, बड़ी टीम की कम बैक करना ये बड़ी टीम की निशानी है। और मैं आपको सही बात बताऊँ ना कि सलीम भाई को भी पता होगा, पहले हमारी टीम के मुतल्लिक है ना ये मशहूर था कि पाकिस्तान की जो सी टीम है ना वो कम बैक करने में बहुत तेज़ है, कि ये कहीं से भी कम बैक कर सकते हैं,
सो मैं अब भी इंशाल्लाह अपनी टीम पे ये बिलीव करता हूँ क्योंकि ये कहीं से भी कम बैक कर सकते हैं। मगर इलजी उस वक्त और इस वक्त में थोड़ा सा फ़र्क है। आप देखो जो आपने बात बड़ी पॉजिटिव की है, उस वक्त प्लेयर आप देखो यार कि हर एक की कोई अभी वही बात है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता था कि मैं यार इससे अच्छा करूं, मैं वो कहता था मैं इससे अच्छा करूं। अभी वाली टीम में जो थोड़ा सा दुख के साथ हम थोड़ा रोज इस पे बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बड़ा, कॉम्बिनेशन का जो है ना वो बड़ा मसला है। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है आप फिर छेड़ भी नहीं कॉम्बिनेशन सकते, फिर वही सिलेक्शन पे आ जाएंगे। आप कॉम्बिनेशन को छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ही बड़ी कम है। आप देख रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप हंगामा। कल टी20 वर्ल्ड कप जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है, चार मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, गोइंग टू बी गुड मैच। उसके बाद 4:30 बजे सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। उसके बाद बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। फिर शाम को भी दो मैचेस हैं, नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस मैच में हमारे स्टेक ये हैं कि ये न्यूयॉर्क में खेला जाएगा तो हम कंडीशंस देख सकते हैं। उसके अलावा जो आखिरी मैच और चौथा मैच होगा कल वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो कल सलीम भाई काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस हैं टी20 वर्ल्ड कप में, मगर हमारा फोकस तो मेरा ख्याल न्यूयॉर्क वाले मैच पे जी, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका वाला, कि उसका देखिए थोड़ा सा उनमें पेस वाले बॉलर हैं जी अफ्रीकन लाइनअप में, तो ये देखना ये होगा कि क्या पिच बेहतर बिहेव किया है या वैसी खेल रही है। तो जब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग होगी तो उससे अंदाज़ा हमें होएगा कि वैसे आज की पिच देखने से तो ऐसा लगा है कि कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर खेली है। चूँकि इनमें उस पेस के बॉलर नहीं थे इसलिए जज करना थोड़ा मुश्किल था। आज भी एक दो बॉल हुए हैं निकले हैं, मगर चूँकि पेस ना होने की वजह से हम बता नहीं सकते कि चेंज हुई है कि नहीं। चूँकि कल का मैच बड़ा वाइटल है हमारे लिए कि देखना ये है कि पिच क्या बिहेव करती है। इंजी भाई पहला मैच जैसे मैंने बात की अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का है, आपने अफगानिस्तान टीम के साथ काम किया हुआ है, आप इन दोनों टीम्स में से, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत अच्छा कर रही है हमने देखा है ओवर द इयर्स, उनकी स्किल्स में हमने बहुत बेहतरी देखी है, इन दोनों टीम्स में से आपको क्या लगता है कौन सी टीम कल के मैच के लिए फेवरेट हो सकती है? देखिए फेवरेट तो न्यूजीलैंड ही हम कहेंगे कि जी न्यूजीलैंड भी टी20 ना बहुत ज़बरदस्त खेलती है, क्योंकि जी वो भी बहुत प्लान से खेलते हैं और स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं टी20 के। लेकिन जिस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है ना कि जहाँ बॉल स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिल रही है और इतने बड़े स्कोर नहीं मिल रहे, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का जो यूनिट है ना वो जिस तरह ये पहला मैच ये वेस्ट इंडीज में होगा मैच वेस्ट इंडीज में जी जिस तरह का इनका यूनिट है अफगानिस्तान वालों का, मेरे ख्याल में इनके पास बेस्ट स्पिनर है सोफा इस वर्ल्ड कप के ना, जो राशिद है, दूसरा मुजीब है, या एक और इनका नबी है, ये सारे हैं। और पिछले मैच में खास तौर पर इनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फजल ने 5 आउट किए, तो इनका जो ये बॉलिंग का पूरा पैकेज है ना ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो ये किसी भी टीम को है ना, और स्पेशली इनका मैचेस वेस्ट इंडीज़ में है जहाँ हमने जो पहले मैचेस देखे हैं वहाँ स्पिनर्स का बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा था और स्पिन भी हो रहा था, तो ये किसी को इतनी आसान से रन नहीं करने देंगे। कल का याला मैच बड़ा ज़बरदस्त है, और दूसरा मैच है जो सब बांग्लादेश और श्रीलंका का ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। बांग्लादेश में मुश्ताक कोचिंग करेगा और श्रीलंका में आकिब जावेद कोचिंग करेगा, तो ये दोनों हमारे लड़के हैं। बाहर ही मुकाबला ना हो जाए तो बाहर तो इजी मैच होगा, अंदर कंपटीशन नहीं। मगर मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड कर दूं, देखे न्यूजीलैंड को शायद फास्ट बॉलिंग पे इतनी मुसीबत ना पड़े। ठीक है ठीक है सलीम भाई, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया है, कल हम जरूर आपको दोबारा से तकलीफ देंगे। इंजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सलीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।